यूपी दिवस समापन समारोह के आखिरी दिन अवध शिल्प ग्राम में विभूतियों को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर सीएम ने रियो ओलंपिक की पदक विजेता पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के साथ दीपा करमारकर को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आने वाले दिनों में 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इसके लिए बजट में खास प्रावधान देंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम उसके लिए बजट में विशेष प्रावधान करने जा रहे हैं और एक वर्ष में 24 पखवाड़े होते हैं और उत्तर प्रदेश में केवल 18 कमिश्नरी हैं। हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि अवध शिल्प ग्राम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए यहां पर भी और नोएडा में भी दोनों स्थानों पर इसको प्रमोट करने के लिए एक एक कमिश्नरी को एक एक पखवाड़े के लिए हम व्यवस्था देने जा रहे हैं कि वहां के उद्यमियों को हम यहां लेके आएंगे, यहां पर उसको स्पेस देंगे, यहां पर उसको प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए जिस भी क्षेत्र में हो, उसके मैपिंग का हो, उसकी मार्केटिंग का हो, उसकी डिजाइनिंग का हो, उसके एक्सपोर्ट का हो, जिसके लिए भी आवश्यकता पड़ेगी सरकार उसमें भरपूर प्रोत्साहन देने जा रही है। इस बजट में उसके लिए भरपूर धन की सीएम योगी ने साथ ही कहा कि इस पूरे साल को हमारी सरकार ने किसानों के नाम किया है और अगला साल युवाओं के नाम होगा। पिछला जो वर्ष हमारा चल रहा है, ये वर्ष हम लोगों ने किसानों के लिए समर्पित किया था। हमारी सरकार ने इस एक वर्ष के दौरान लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए हम किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के स्वावलंबन के लिए खर्च करने वाले 1,00,000 करोड़ रुपए। अब तक 80,000 करोड़ रुपए हम किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से पहुंचा चुके हैं और जो अगला वर्ष आने वाला है, जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष आने वाला है, यह वर्ष हम युवाओं को समर्पित करना चाहते हैं, अपने प्रदेश के युवाओं को। ढेर सारी नौकरियां लेकर के आ रहे हैं हम लोग, ये मान करके चले कि अकेले सरकारी क्षेत्र में ही 5,00,000 नौकरियां आने वाली है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल राम नाईक ने सूचना विभाग का वेबसाइट का शुभारंभ किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।